गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल ब्लॉग। सेम उत्कर्ष सिंह और वॉचिंग मी और मैं चैनल जिम तारा। और आज है भाई दूसरा दिन इंदौर में, और सुबह सुबह अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए जुगाड़ करने जा रहे हैं, और फिर आज यहाँ भाई रिवाइज वगैरह करेंगे जो भी है, एंड देन प्लान बनाएंगे कहीं घूमने जाने। व्हाट्स योर ओपिनियन? ना यार, ये सुखा ही नहीं भाई, पंखे के नीचे रखा था रात को। हम लोग यार यहाँ पे रुके हुए हैं, छावनी चौक है, वहीं पे होटल लेके रुके हुए। यहाँ से सेंटर बहुत पास में है और रेलवे स्टेशन भी बहुत पास में है। अभी पोहा टेस्ट करके देखते हैं, सब चीज मिला हुआ है, क्या क्या चीज है, नमकीन वगैरह, प्याज, नींबू। यार घर पे रहते तो सारा काम तो मम्मी करती है, अब यहाँ पे भाई खुद ही मैनेज करो। अभी खाना है तो अभी जाके नहाना है, तो अभी जाके ये करना है, वो करना है, ना खाओ तो उसका अपना रूम चेंज करने को कह रहे ऊपर है क्या? अपना जो रूम था ना यार थोड़ा वो गंदा था अंदर से, तो हमने बोला रूम चेंज करवा भाई। 308 अब चल के अंदर एक बार देख लेते हैं कैसा रूम है। तो काफ़ी बढ़िया है, तो ये सेकेंड रूम है जो कि भाई बढ़िया लग रहा है। उस वाले रूम से तो काफ़ी बेटर है ना, हो जाते यार इसी में शिफ्ट हो जाते हैं, अभी दो दिन और रहना है। तो एक चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने भी अभी नोटिस किया, यहाँ पे देखो ये जो ट्रक है ना, इसमें भाई पता है क्या डाल रहे हैं, जो भी होटल के वेस्ट वगैरह होता है ना वो सारे डाल रहे हैं। देखो कूड़ा वगैरह नहीं डाल रहे हैं, वो फूड आइटम के जो भी वेस्ट वगैरह होता है ना वो सारे डाल रहे हैं। सिलेबस भाई लगभग कम्प्लीट होने वाला है नवंबर में, लेकिन यार पेपर आ गया अक्टूबर में, तो लगभग ऐसा मान लो 70% सिलेबस कम्प्लीट हुआ होगा, और मैंने रिवाइज उसमें से मान लो 40-50% किया होगा। अब पेपर जाके देना है भाई, हालत ख़राब हो रही है, तो अभी जस्ट वही रिवाइज वगैरह कर रहा था, जो भी पढ़ा है ना वो पढ़ रहा हूँ, नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये नया चीज़ पढ़ूँगा आप पीछे का भूल जाऊँगा। तो देखो आपको भी थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान का जो ये लाइफ लाइन है वो इंदस रिवर है, इंदस रिवर ये यहाँ से निकलती है, जस्ट फोकस 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 फोकस, ये कैलाश पर्वत है, यहाँ से इंदस रिवर निकलती है, यूँ 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 जाती है, ये दो लद्दाख और जस्का माउंटेन रेंज के बीच से गुजरती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है और वो अपना इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, जैसे यांग्या पास से ब्रह्मपुत्र रिवर, एंड देन ये गंगा रिवर उत्तराखंड से यूँ निकल के ये गिरती है सुंदरबन डेल्टा में। गंगा रिवर का नाम चेंज हो जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र नाम चेंज हो जाता है जमुना, और यहाँ पे ये मेघना, ये तीनों ज्वाइन होकर सुंदरबन डेल्टा में गिर जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही है खतरनाक खतरनाक रिवर, आपको ये दिखाऊँगा ना पागल हो जाओगे। देखो ये गंगा रिवर उत्तराखंड से, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और यूँ चल के भाई यूँ जा रही और फिर इधर वेस्ट बंगाल में गिर रही है, ठीक है। और उसी में कितने सारे इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे गंगा के फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है राम गंगा, लास्ट ट्रिब्यूटरी है महानंदा। भाई साहब नाम याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस में याद करने जाना तो बहुत इजी है नाम याद करना। जैसे कि ट्रिब्यूटरी देख लो, बहुत इजी है इसको याद रखना। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा मतलब यमुना, शारदा दामोदर कोसी, राम गंगा सोन, ये महानंदा लास्ट ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, फिर अपना गोमती गंडक, ये सारे होते हैं। देखो बिहार में बाढ़ पता है किस लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी नेपाल से पानी वगैरह छोड़ते हैं ना वो बिहार में ही आते हैं, तो गंडक रिवर के कारण बिहार में वो बाढ़ आते हैं, या फिर बागमती कोसी महानंदा। पेपर के टाइम पर होता भाई, थोड़ा और पढ़ लेता तो बहुत ईजी होता, पर कोई नहीं, जितना ही पढ़ा ना देखेंगे पेपर, होपफुली अच्छा जाए। इधर क्या चल रहा है? तो गाइस नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं यार लंच करने के लिए, यहीं पे भोजनालय है जहाँ पे कल गए थे, और भोजनालय, हाँ नट्टू का भोजनालय, फिर अपन जाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम 3:30 है ना? हाँ 3:30 है, तो अपने पास टाइम है, अभी 2 बजे है, तो फटाफट खा लेते और फिर चलते हैं। मेरा तो यार परसों पेपर है। जनाब का आज पेपर है, तो ये है जनाब लंच में, आज भी खाने में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे कल था यार चना की सब्जी, आज है मटर, और ये टिंडे की, यहाँ पे कल बैंगन की सब्जी थी, जो रोटी है मेथी की रोटी है, जो थाली है ना वो 70 रुपये की थाली है, अनलिमिटेड जितना खाना खाओ, उसके बाद चावल भी मिलेगा। नायक भोजनालय सिद्धि विनायक। चलो थैंक यू, आपका बहुत बढ़िया खाना था, ठीक है। चलो गाइस आज भी मज़ा आ गया, आज मैंने चावल खा लिया, कल तो यार चावल खाते ही क्या नींद आई थी ना, क्योंकि ट्रेन के भाई थके हुए थे, ऑटो करके इधर उधर घूमे जा रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे, इसलिए कल रूम पे जाते ही सो गए थे।
तो आज उधर जाना है, सेंटर पे जाना है। ऑटो वाला कितना लेता है पर किलोमीटर यहाँ पे? पर किलोमीटर का नहीं है। एक चीज हमने ये भी नोटिस किया है, भी लोगों से मिला ना, सारे बहुत हम्बल है भाई, बातचीत बहुत बढ़िया से करते हैं। यहाँ पे एक चीज जबरदस्त देखने को मिला, तीन लेन है, वो बीच वाला जो लेन है ना ये भाई, उसमें सिर्फ बस चलती है, जिसने पास बनवाया हुआ बस का वो जा सकता है बस। ये देख लो भाई यहाँ के बस स्टैंड, वाह सही है। ये कुछ यूनिक सा देखने को मिला यहाँ का, विजयनगर है, विजयनगर तीन लेन बना हुआ है और बीच में बिल्कुल खाली है, सिर्फ बस जा सकते है उसमें, सिर्फ बस की एंट्री है। यही है सेंटर भाई, यहाँ पहुँच चुके हैं। डिजिटल जोन, मेट्रो में क्या होता है ना, हम कार्ड लेके जाते हैं या फिर टोकन वगैरह, फिर अंदर एंट्री लेते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही है, मतलब बस में जाने के लिए आप कार्ड लेके जाओ, फिर स्टेशन बस स्टैंड पे आप जा सकते हो अंदर, उसके बाद बस लो। पर ये ज़्यादा दूर नहीं, 8-9 किलोमीटर के लिए वो बस चलती है बस। और अभी देखो हम लोग कहाँ खड़े हैं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी भाई, लैंड रोवर, जैगुआर, BMW, वैस्की, इसमें हाँ इसमें चलेंगे, लैंड रोवर उधर अपने, ये देखो जैगुआर, फिर उधर BMW, सभी में चलते हैं। टेस्ट ड्राइव लेके आ जाएंगे, गाड़ी चलानी आती है, कॉल करोगे तो ही आ जाएंगे लेने। मैं पहला करूंगा GKCS, मैथ से पहले रीजनिंग, फिर मैथ एंड में। भाई अब जाके छुट्टी हुई है, अपने पुल्स कैसा रहा पेपर, इनको थोड़ा टफ बनाना चाहिए था। GKCS का कुछ याद है, कैसा पूछा था? बहुत इजी था। 2005 में कौन सा अपने पड़ोसी कंट्री थे जिनका राजधानी चेंज हुआ है? हम लोग जस्ट वही 56 दुकान के आगे थे और यहाँ पे हमने एक चीज देखा, इन्होंने मार्केटिंग के लिए वो स्ट्रेटजी अपनाया है, बेवफा पान वाला प्रेमी जोड़े के लिए 20 रुपए का पान, सत्यार में धोखा खाए हुए लोगों के लिए सिर्फ 2 रुपए का पान। अरे भैया 2 रुपए में पान मिलते हैं क्या? गाइस तो इंदौर के अभी ये गोलगप्पा ट्राई करके देखते हैं और देखते यहाँ पे कितना तीखा भैया खिलाते हैं। बोलती नहीं निकलेगी अभी, स्वाद आ गया। अरे बहुत बढ़िया सब्जी में यार, हालत खराब दिख रहा है, आंखों से पसीना निकल रहा है भैया, हंस रहे हैं। अबे क्या नाम है, सब्जी मेरे का भी बहुत अच्छा से बना के खिलाया यार, हालत खराब कर दी इन्होंने। 56 क्लीन स्ट्रीट फूड हब पे आ चुके हैं और आज क्या ट्राई करें, क्या करें, मैंने गोलगप्पा खा लिया तो मेरे को खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। एक काम लेंगे और एक दावेली जरूर लेंगे, आज कुछ सिर्फ हल्का फुल्का ट्राई करते हैं। जनाब तो ये हमने लाइट सा कुछ ले लिया, सिकंजी ये है और ये सिखंड है, सिखंड पता नहीं कैसे कैसा नाम है। तो आज मसालेदार कुछ नहीं खाएंगे भाई, जनाब अब इसको करते हैं बाय बाय, क्योंकि अब तो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कल कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, फिर परसों पेपर और परसों ही निकल जाना है अपने को। सो बाय बाय दिस 56 क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ये देख लो इंदौर के ऑटो रिक्शा भाई, भैया म्यूजिक भी चलाते हो क्या, बजा दो जरा, थोड़ा डीजे वाली फील आ जाएगी, लाइट भी वैसे ही है, रेडियो में मचले पर बाहर से चला।
अच्छा, आप कबड्डी के बारे में कुछ पता है? कितनी टीम है टोटल? मेरे को क्या लेना देना, हमने क्या चार चार, अगर आठ होते थे चार चार बांट लेते थे। अच्छा नहीं, उसको पटकता था। मैं टीम पूछ रहा हूँ अभी, प्रो कबड्डी में टोटल कितनी टीम है? ओ भाई देख लो, मेरे पास ना सुन इधर दिखा, मेरे पास इतना फिजूल का टाइम नहीं कि मैं क्रिकेट कबड्डी बैठ के देख, कोई किसी का ऐसा शौक नहीं होता, हम बैठ के देखना है, इंटरेस्ट होता है कबड्डी में, क्रिकेट में तो देखता है। क्या है, बैठ के तुम देख रहे हो, वो आराम से खेल रहा है, वो पैसे कमा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो सभी को पता है कि भाई वो जितने प्लेयर है वो पैसे के लिए वहाँ खेल रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए सब देखना चाहिए, ठीक है? ये तो लाइफ बोरिंग हो जाती है।